हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, आज मैं आपके सामने एक अनपैकेजिंग करने वाला हूँ, और ये जो प्रोडक्ट है स्टेशनरी से रिलेटेड है, क्योंकि हम हमारी लाइफ के अंदर सारी चीज़ें हमारी नोट करके रखते हैं। जो सीक्रेट चीज़ें होती है हम उसको कहीं ना कहीं लिखते हैं, हमारे पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह, टोटल चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं नोट करके रखते हैं और हम चाहते हैं कि इसको कोई ना देखे। तो वैसे लोगों के लिए मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसका अनपैकेजिंग मैं करने वाला हूँ। ये एक लॉक डायरी है, इसके अंदर आप कुछ भी आपका पूरा नोट कर सकते हैं, और इसको आप नंबरिक लॉक के अंदर पासवर्ड से सेव कर सकते हैं, और इसका पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से समझ लीजिए कि आपका सीक्रेट बुक रहेगा और इसको कोई पढ़ नहीं पाएगा। तो इसकी अनपैकेजिंग कर लेते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीवर्स, इसको जल्दी से अनपैकेजिंग कर लेते हैं, इसकी क्वालिटी वगैरह सब कैसी है सब देख लेते हैं। तो वीवर्स, ये हमारा पैकेट, तो चलिए जल्दी से अनपैकेजिंग कर लेते हैं। हमारी डायरी को बाहर निकाल लेते हैं हम। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया है, और ये हमारी डायरी अब यहाँ से बाहर हमने निकाल दी है, और प्लास्टिक का पैकेट इसमें दिया गया है। तो वीवर्स, ये हमारी डायरी आप देख रहे हैं कि काफ़ी विंटेज और काफ़ी खूबसूरत डायरी है ये, और एक ओल्ड लुक इसमें लग रहा है, यानी पुराने दौर की डायरी देखने में लगती है। इसकी डायरी की कलर की हम बात करें तो यहाँ पर ब्लैक और गोल्डन कलर इसमें दिया गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो लॉक जो है तो टोटली मेटेलिक दिया गया है। साइड में इधर बेल्ट दिया गया है, ये बेल्ट काफ़ी मजबूत यहाँ पर नज़र आ रहा है। साइड में आप देखें यहाँ पर इसकी सिलाई दी हुई है, सिलाई भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर दी गई है। पीछे हम देखें तो पीछे साइड से पूरी प्लेन है ये डायरी, और इसकी साइज़ की हम बात करें तो ऐसी इसकी साइज़ जो है तो तकरीबन तो इसकी साइज़ की हम बात करें तो यहाँ पर आप इसकी साइज़ देख रहे हैं कि 6 इंच से थोड़ी कम है ये, और ऐसा हम देखें तो ये तकरीबन 8.5 इंच इसकी साइज़ भर रही है। जो कंपनी हमको कहती है तो 22 सम में बताती है, 22 सम ऐसी आएंगी और 15 सम इसकी ऐसी साइज़ है, ठीक है। टोटल पेजेस इस डायरी के अंदर जो दिए गए वो है 230। कलर इसका जो है तो ब्लैक गोल्ड है, और 3 नंबरिक कॉम्बिनेशन लॉक इसके अंदर दिए गए, और PU लेदर इसके ऊपर यूज़ किया गया है। इस डायरी का जो नाम है वो सीक्रेट लॉक डायरी है, ठीक है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर आपको एक बड़ा बटन दिख रहा है, तो ये बटन को हमको इस तरीके से लेफ्ट साइड के अंदर प्रेस करना है। तो ये देखिए लॉक खुल गया है। लॉक इसलिए खुल गया क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन लॉक है ऑलरेडी उधर से लॉक खुला हुआ आता है, और इसका जो पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो 000 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लिया है। साइड जैसे हम डायरी को ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ पॉकेट्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप आपके आईडी कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। नीचे आप आपका फ़ोटो भी लगा सकते हैं, या फिर फ़ोटो प्रूफ के हिसाब से जो आईडी कार्ड आती है, कोई भी चीज़ आपके हिसाब से इसमें आप लगा सकते हैं। डायरी को जब हम ओपन करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको मंथ यानी आपका प्लानिंग वगैरह सारा ऑर्गेनाइजिंग कैसे आपको ऑर्गेनाइज करना है सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर आप देखें तो प्लान है, और पूरा 1 से लेके 31 तक के डेट यहाँ पर इस पेजेस पे देखने को मिल रही है। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमको हमारी जो सिंपल वन लाइन वाली कॉपी देखने को मिलती है ये, और इसके जो पेजेस है ये थोड़े येलोइश है, यानी हल्का हल्का पीला इफेक्ट इसके अंदर आता है, जिससे ये विंटेज लगती है कि ये विंटेज डायरी है, पुराने दौर की है। और आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बुकमार्क भी नज़र आ रहा है, जो कपड़े का बुकमार्क इसमें दिया गया है, आप आपके हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हम देखें अब तो ये टोटल इसमें 230 पेज दिए गए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा PU लेदर इसमें यूज़ किया गया। इधर आप देख रहे हैं तो पेन लूप यहाँ पर दिया गया, आप आपका पेन इसमें इस तरीके से डायरी में लगा के रख सकते हैं। जब पेन इसमें लग जाता है तो जब आप इसको बंद करेंगे तो ये आसानी से लॉक भी हो जाएगा, पेन ऊपर साइड में इसके इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए लॉक में यहाँ पर अब इसका ये मैंने लॉक लगा दिया हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 0 पे अभी डिफ़ॉल्ट सेट है, तो लॉक खुल भी रहा है, लग भी रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैं लॉक खोल रहा हूँ। अब आपको बताने वाला हूँ कि इसका लॉक चेंज का प्रोसीजर कैसे है, आपको लॉक चेंज कैसे करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लास्टिक का एक पट्टी यहाँ पर आई हुई है, हमको इसको निकाल देना है सबसे पहले, और निकालने के बाद देख रहे हैं कि ये लॉक हमारा अब लग रहा है, और जब हम इसका लॉक चेंज कर देते हैं तो अब आप इसको खोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये लॉक हो गया है और अब आप इसको लॉक खोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका डिफ़ॉल्ट लॉक कैसे हमको चेंज करना है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पर उसका लॉक डाल देना है 00, और जो 0 और 000 जो कंपनी से आया पहले हम उसको ले लेते हैं। ये लॉक आ गया है, लॉक को हमको वापस इसको इधर करना है प्रेस। देखिए लॉक खुल गया है। लॉक खुलने के बाद हमको क्या करना है कि ये जो हमारा बटन है इसको अब राइट साइड में हमको प्रेस करके रखना है इस तरीके से, यानी
ओपन करने के लिए हम इधर कर रहे थे, लेकिन हमको अब इसको लॉक चेंज करने के लिए इसको इधर साइड में प्रेस करना है। और अब हमको जो भी नंबर चाहिए, जैसे हमको चाहिए 777, तो 7 7 और ये हो गया हमारा 7। देखिए ये मैंने 777 के ऊपर इसको सेट कर दिया हूँ, और इसको अब हमको छोड़ देना। अब हमारा जो पासवर्ड है वो है 777, इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक हो गया है, ये लॉक खुल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर दिया हूँ, देखिए यहाँ पर ये लॉक लग गया है। अब हम एक बार 00 पे सेट करके देखते हैं, ये 000 पे आ गया है। देखिए मैं लॉक खोल रहा हूँ, लॉक इसका अब खुल नहीं रहा है। तो आप देख रहे हैं कि टोटली पूरी तरीके से सेफ हो गई आपकी डायरी। अब आपके पासवर्ड वगैरह कोई भी आपकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है कोई भी पढ़ नहीं पाएगा। अगर ये डायरी किसी के हाथ में भी लग जाती है घर में, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख नहीं पाएगा। चलिए अब इसको 77 पे एक बार लगा के देख के हम खोल लेते हैं। 77 लॉक कितना इजीली इसका खुल गया है। और व्यूअर्स आपने देखा कि यहाँ पर जब मैं इसके कॉम्बिनेशन को घुमा रहा था तो कितना स्मूथली ये वर्क कर रहा था। तो काफ़ी अच्छी डायरी है, आपको अगर ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने इसके लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ये डायरी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और ग्रीन स्टडी के ऊपर हम ऐसे रिव्यू लाते रहेंगे जो हमारे एजुकेशनल प्रोडक्ट्स है या फिर स्टेशनरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनके भी हम वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे, ताकि आपको आइडिया आते रहे कि कौन से प्रोडक्ट मार्केट में कैसे आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।